मेरा नाम सचिन सिलावटे और आप मुझे अनएकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो कवर करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको वहां हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं वहां डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस और एमपीएसआई की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कटिंग है, ये अभी कल से मतलब फेसबुक पे बहुत वायरल हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एमपी पुलिस और एमपीएसआई की वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन में कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि गृह विभाग की ओर से जारी हुई पुलिस विभाग की रिक्त पदों की सूची हमें प्राप्त हुई है, लेकिन अभी पदों का विवरण आना बाकी है। अगर गृह विभाग समय पर ये विवरण पहुंचा देता है और अगर प्रदेश के चुनाव पर इस भर्ती परीक्षा का असर नहीं पड़ता है तो भर्ती रिलीज की जाएगी, नहीं तो इन भर्तियों को 2019 के लिए क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, रिजर्व कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण पीवी, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी वर्ष है, तो ये जो भर्ती है, अगर ये मतलब विवरण, अगर गृह विभाग समय पर विवरण पहुंचा देता है तो ये क्या होगी कि भर्ती होगी, अदरवाइज ये जो भर्ती होगी ये 2019 के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। दोस्तों, भोपाल पुलिस विभाग अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है कि खाली पदों पर जल्दी ही वैकेंसी निकाली जा सके। हमारी ओर से रिक्तियां भेजी जा रही है चुकी है, और जल्दी हमारी ओर से पदों का विवरण भी पीवी को भेज दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार मिल सके, वो प्रदेश की सेवा में लग सके, इस बात के लिए हम तत्पर है, और युवाओं के साथ हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अगर आचार संहिता भी लग गई तो हम चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाएंगे, एडीजी पुलिस विभाग। तो दोस्तों, आप जो है अगर अभी भी एमपी पुलिस और एमपीएसआई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये इस साल भी वैकेंसी आ भी सकती है और 2019 में भी आ सकती है। दोस्तों, आप जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर लेता हूं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप हमें अनएकेडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर भी मैं व्यापम की एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर भी आप हमें अनएकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।